नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना। पिछले वीडियो में आप हिंदी वर्णमाला सीखे थे, आज हम हिंदी बारह खड़ी सीखेंगे जो बहुत ही आसान है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। बारह खड़ी सीखने के लिए स्वर, व्यंजन और मात्रा आना बहुत जरूरी है। अगर स्वर, व्यंजन और मात्राएं हम अच्छे से जानते हैं फिर बारह खड़ी बहुत ही आसान है। व्यंजन किसे कहेंगे? ये जो क, ख, ग, घ, ये जो कक्का है इसे हम व्यंजन कहते हैं। और अ, आ, ई, ये सब है इसे स्वर कहते हैं। स्वर और व्यंजन तो आप सीख चुके हैं, चलिए अब हम मात्राएं देखते हैं। ये सब मात्राएं है, इसे स्वर चिन्ह भी कहते हैं। आप कहेंगे अरे ये तो हम जानते हैं। हाँ, आप लोगों ने जब गुजराती बारह खड़ी सीखी होंगी तब ये पढ़ा होगा। तो गुजराती और हिंदी की बारह खड़ी में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि गुजराती की बारह खड़ी में जो कक्का होता है वो गुजराती में होता है और हिंदी की बारह खड़ी में कक्का होता है वह हिंदी में होता है। यहाँ पर स्वर लिखे हैं और उसके साथ और अलग से दोनों ही मात्राएं लिखी है ताकि आप अच्छे से समझ सके कि किस स्वर के साथ कौन सी मात्रा का उपयोग हुआ है। पहले अक्षर में कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया है, हम उसे पढ़ेंगे अ। उसके बाद है आ, उसके बाद है हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, रु ए, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार है अं और विसर्ग है अह। चलिए अब हम थोड़े उदाहरण देख लेते हैं। पहला अक्षर है अ, जिसमें कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया है, उसका उदाहरण है कम। दूसरा है आ, जिसमें आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जिसका उदाहरण है काम। उसके बाद हर्ष ई की मात्रा है तो उदाहरण है किस लिए। दीर्घ ई की मात्रा है जिसका उदाहरण है खीर। हर्ष ऊ है तो गुलाब, दीर्घ ऊ है भूल, रु तृण, जिसका प्रयोग हम अभी बारह खड़ी में करेंगे नहीं। ए, उसका उदाहरण है केस। ऐ, उसका उदाहरण है है। ओ, उसका उदाहरण है चोर। और आखिर में औ, जिसका उदाहरण है चौखट। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि मात्रा को बारह खड़ी में कैसे लिखा जाता है। चलिए और भी अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर एक कोष्टक दिया गया है जिसमें स्वर, मात्रा, मात्रा का प्रयोग कैसे करना है और उसके थोड़े उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें पहला स्वर है अ, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है। अगर उसका प्रयोग हम करेंगे तो क प्लस अ इज इक्वल टू क। आनो अर्थ एवो थाय के खोड़ियो क, नीचे थोड़ूक रेफ जेवु निशान छे तेने आपणे खोड़ियो कहीए छीए। आवी रीते खोड़ियो क, खोड़ियो म, खोड़ियो ल होय छे ने, तो अहीं ए खोड़ियो क अने अ स्वर अ ए बन्ने मळीने क बनावे छे। आवी ज रीते बीजा अक्षर पण बने छे, जेम के खोड़ियो क अने आ ए बन्ने मळीने का बनावे छे। खोड़ियो क अने हर्ष ई मळीने की बनावे छे। ते ज रीते खोड़ियो क अने दीर्घ ई मळीने की बनावे छे। इसी प्रकार आप दूसरे अक्षर भी बना सकते हैं और कक्के में से कोई भी अक्षर के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको माँ लिखना हो तो खोड़ियो जो म होता है वो म प्लस आ इज इक्वल टू बन जाता है माँ। बच्चों
यह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 12 खड़ी लिखनी है। ये तो हम समझने के लिए देख रहे हैं। तो चलिए अब हम 12 खड़ी की लाइन लिखते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क की लाइन लिखेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम क की लाइन कैसे लिखेंगे। पहले अक्षर में कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया होता है, इसीलिए हम लिखेंगे क। उसके बाद क में आ की मात्रा यानी कि का। क में ह्रस्व ई की मात्रा यानी कि की। क में दीर्घ ई की मात्रा यानी कि की। क में ह्रस्व उ की मात्रा कु। क में दीर्घ उ की मात्रा कु। क में रु की मात्रा क्रू, जिसे हम अभी 12 खड़ी में लिखेंगे नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए है। उसके बाद क में ए की मात्रा के। क में ऐ की मात्रा कई। क में ओ की मात्रा को और क में औ की मात्रा कौ। इसी प्रकार अनुस्वार और विसर्ग में आएगा कम और कह। तो इस प्रकार क की लाइन बन जाएगी, जिसे हम पढ़ते हैं क का की कु कु के कई को कौ कम कह। इस प्रकार स्वर की मात्रा का उपयोग करके हम कोई भी लाइन लिख सकते हैं। तो चलिए हम थोड़े उदाहरण देखते हैं। अगर हमें ब की लाइन लिखनी है तो ये इस प्रकार होगी। ब बा बी बी बू बू बे बई बो बउ बम और बह। 12 खड़ी को अगर आप रट्टा मारकर करेंगे तो कभी कभी आप मात्राओं को भूल जाएंगे, परंतु इस प्रकार स्वर की मात्राओं को समझ करके करेंगे तो फिर आप अच्छे से इसे याद रख पाएंगे और बीच में से भी कोई अगर कुछ पूछे तो उसका जवाब दे पाएंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अण फेण वाला जो अण है उसे एक ही मात्रा लगाकर दिखाइए। देखा, आपके दिमाग में तुरंत जवाब आ गया था ना कि उसे कैसे लिखते हैं। अब हम ण की लाइन भी देख लेते हैं। ण अणा अणी अणी अणु अणु अणे अणई अणो अणौ अणम और अणह। बच्चों, इसी प्रकार क से लेकर ज तक की 12 खड़ी की कोई भी लाइन हो हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। आपको भी क से ज तक की 12 खड़ी लिखनी है और उसे साथ साथ में पढ़ना भी है। तो 12 खड़ी लिखने और बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।